सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स. ओके नाउ व्हाट इज स्टैट्स एंड स्टैटिस्टिक्स. बेटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कई बार इसको स्टैट्स बोल देते हैं, ठीक है. स्टैटिस्टिक या स्टैट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेनली वी विल बी स्टडिंग अबाउट डेटा. इन स्टैटिस्टिक्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डेटा. दैट मीन्स स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी एनालाइज, वेयर वी डील विद द डेटा इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. हम अलग अलग तरह से डेटा को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. वी कलेक्ट द डेटा. सबसे पहले तो देखो डेटा को, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं, वी हैव टू कलेक्ट सम डेटा. ठीक है, कोई डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे मान लो देखो, इन योर स्टेट, हाँ, तुम्हारे स्टेट में इलेक्शन होने वाला है. इन योर स्टेट देयर इज इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन फॉर द सीएम और जो भी कैंडिडेट्स के लिए होता है. ओके, ठीक है, सम काइंड ऑफ इलेक्शन इज देयर. सो फर्स्ट व्हाट यू विल चेक, तुम लोग क्या चेक करोगे? यू विल चेक हाउ मैनी पॉपुलेशन आर देयर, है ना. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ माई स्टेट, कि कितने लोग रहते हैं मेरे स्टेट में. ठीक है, तो तुम लोग पॉपुलेशन चेक करोगे, यू विल चेक इट. देन सेकेंड थिंग, इस पॉपुलेशन में तुमने डेटा कलेक्ट कर लिया, यू हैव कलेक्टेड दैट देयर आर सपोज 2 करोड़ पीपल लिविंग इन माई स्टेट, 2 करोड़ लोग रहते हैं. लेकिन ऐसा तो नहीं होता है दैट ऑल द 2 करोड़ पीपल आर वोटर्स. तुम लोग क्या चेक करोगे, हाउ मैनी ऑफ दीज 2 करोड़ पीपल्स हु आर लिविंग इन योर स्टेट, हाउ मैनी ऑफ द पॉपुलेशन इज वोटिंग एलिजिबल. इनमें से कितने लोग क्या हैं, वोटिंग एलिजिबल, कितने लोग वोट दे सकते हैं. तुम लोग बाद में देखोगे. फिर इसमें से भी कितने मेल वोटर्स हैं, कितने फीमेल वोटर्स हैं. ठीक है, तो देखो हुआ क्या, वी हैव कलेक्टेड द डेटा ऑफ अ स्टेट. हमने एक स्टेट का डेटा कलेक्ट किया. पहले हमने क्या किया, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को काउंट कर लिया कि उस स्टेट में टोटल कितने लोग हैं, जिसमें टोटल पॉपुलेशन में बच्चे, ठीक है, जो मीन्स वोटिंग एज वाले हैं 18 प्लस लोग, फिर जो बूढ़े लोग हैं वो सब हमने काउंट कर लिया है. ठीक है, उसमें मेल फीमेल सब कुछ, टोटल पॉपुलेशन. फिर उस पॉपुलेशन को एनालाइज किया हमने कि उसमें से वोटिंग एलिजिबल कितने हैं और उसमें से मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितने हैं. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं, वी कलेक्ट द डेटा ऑफ वेरियस थिंग्स. हम अलग अलग तरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा ऑफ वेरियस थिंग्स, लाइक आई एम कलेक्टिंग योर मार्क्स ऑफ PT1, मार्क्स ऑफ PT1 ऑफ क्लास 9th. ठीक है, क्लास 9th के मार्क्स कलेक्ट किए इन मैथ्स, कि मैथ्स में उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के. लाइक सम स्टूडेंट्स हैव गॉट 20, 18, ठीक है, देन 17. आउट ऑफ 20 आई एम सेइंग, आउट ऑफ 20 हाउ मच सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन मैथ्स, सो इट इज 16, देन 15. दिस इज हाउ वी कलेक्ट द डेटा. हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. नाउ सी, डेटा इज ऑफ टू टाइप्स. जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना बेटा, ये जो हम कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ डेटा. वन इज प्राइमरी टाइप, ठीक है, टू टाइप्स होते हैं. वन इज प्राइमरी डेटा एंड द अदर वन इज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है. डेटा दो टाइप का होगा, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा. अब देखो प्राइमरी डेटा में क्या होता है, प्राइमरी डेटा द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय अस, विच वी आर कलेक्टिंग ऑन आवर ओन, जिसमें हम खुद से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा. देखो ध्यान से समझना, एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने 9th क्लास के बच्चों का पेपर चेक किया, 9th क्लास के बच्चों का पेपर मैथ्स का मैंने चेक किया. उसके बाद मैंने एक मार्क स्लिप बना दी, ठीक है, मार्क्स स्लिप बनाई. रोल नंबर 1 के 20 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 30 मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के 28 मार्क्स हैं, ऐसे मैंने मार्क्स स्लिप. तो डेटा किसने बनाया, डेटा किसने बनाया, टीचर ने, यानी कि मैंने बनाया. द डेटा इज कलेक्टेड बाय द टीचर, ठीक है. देन ये वाली मार्क्स स्लिप मैंने क्या किया, प्रिंसिपल सर को दे दिया, ठीक है. आई हैव कलेक्टेड दिस डेटा, डेटा कलेक्ट किया मैंने, बच्चों का मार्क्स कलेक्ट कर लिए, एक शीट पे लिखा,
देन आई हैव सबमिटेड दिस मार्क स्लिप टू प्रिंसिपल सर. क्या प्रिंसिपल सर ने पेपर चेक किए? नो. दैट मीन्स वट? हु इज डूइंग? द टीचर इज डूइंग. सो टीचर के लिए डेटा क्या है? प्राइमरी. फॉर द टीचर द डेटा इज प्राइमरी, बट फॉर प्रिंसिपल द डेटा इज सेकेंडरी. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज इन योर न्यूज़पेपर में ना तुमने क्या किया, डेली तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे. ठीक है, तुम लोग न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो एंड एवरी डे यू आर नोटिंग डाउन, तुम लोग नोट डाउन करते हो दैट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन योर सिटी. तुमने टेम्परेचर नोट किया एवरी डे कि आज का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस. तुम्हारा उसमें लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, तुमने अपनी नोटबुक में लिख लिया कल टेम्परेचर था 23 डिग्री सेल्सियस, आज टेम्परेचर 27, कल 28. तो तुम डेली लिख रहे हो. बट फॉर यू, तुम्हारे लिए वो डाटा क्या है? द डाटा इज सेकेंडरी फॉर यू. द डाटा इज सेकेंडरी. क्यों? क्योंकि प्राइमरी डाटा किसके लिए है? वो द पर्सन. यस, द पर्सन हु इज कलेक्टिंग, जिसने कलेक्ट किया, जिसने उसको टेम्परेचर को मेजर किया. देखो एक और एग्जाम्पल देखो, तुम लोग स्कूल आते हो. हाँ, यू आर कमिंग टू स्कूल डेली, देन टीचर टेक योर अटेंडेंस. डेली अटेंडेंस रजिस्टर में तुम्हारा अटेंडेंस लगता है. तो अटेंडेंस लेते वक्त टीचर क्या करते हैं? तुम्हारा प्रेजेंट मार्क करता है, अब्सेंट मार्क करता है, करेक्ट? देन वो अटेंडेंस प्रिंसिपल को फॉरवर्ड की जाती है. ठीक है, आर ओ को फॉरवर्ड, मीन्स हायर अथॉरिटीज को दी जाती है. दैट मीन्स वट? फॉर टीचर द डेटा इज प्राइमरी, फॉर the authorities the data is secondary. So primary data means if you are collecting the data on your own, agar khud se collect kar rahe hain then primary data, if you are taking it from other sources or you are depending on other sources then it is secondary data. Now the next thing is, dekho data hum logon ne collect kiya, jab hum data collect kar rahe hain, okay, collection of data, we can collect the data in two forms. दो फॉर्म्स में कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन इन टू फॉर्म्स. वन इज अनग्रुप्ड एंड वन इज ग्रुप्ड. एक तो हम बेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में करते हैं, ठीक है, एंड द अदर वन इज ग्रुप्ड फॉर्म. अब ये अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फॉर्म क्या होता है चेक करना. मैंने क्या किया, क्लास में ना बच्चों को खड़ा कर दिया एक एक करके. ठीक है, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. ठीक है, देर आर, चलो 30 या 15, कोरोना टाइम है तो कम बच्चे बैठाएंगे. 15 स्टूडेंट्स आर देयर. मैं उनको वन बाय वन खड़े करके पूछ रहा हूँ. जैसे फर्स्ट बच्चे से, बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? उसने बोला ए. सेकंड से पूछा, उसने भी ए बोला. थर्ड वन बी, देन फोर्थ वन ए बी, देन फिफ्थ वन ने बोला ओ, देन सिक्स्थ फिर ए, फिर ए बी, फिर से ओ, ए बी, ए ओ ओ ओ ओ. ठीक है, ए बी, ऐसे मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया. ठीक है, मैंने बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लिया, एक एक करके मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि हाँ बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, और उन्होंने मुझे इस तरह से ब्लड ग्रुप बता दिया. अब एक चीज़ सोचो, क्या मैंने इस डेटा की कहीं से ग्रुपिंग की है? इज दिस डेटा ग्रुप्ड? नो, क्योंकि मैंने क्या किया, बस इंडिविजुअली आई एम आस्किंग ऑल द स्टूडेंट्स वन बाय वन, देन व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप एंड व्हाट इज, I can write here like this. So this data is not showing any other information other than the blood group of a particular. और इसमें भी एक problem है. मैंने देखो A A B B A B ऐसे लिख दिया है. But if I will submit this data to anyone, अगर मैं किसी को इस data को submit करूँगा, okay? अगर मैं इस data को किसी को submit करूँगा, क्या वो इसमें से ये information find out करेगा कि ए वाले बच्चे कौन कौन थे, ओ वाले कौन कौन थे? पॉसिबल नहीं होता है. अनग्रुप डेटा में से थोड़ा सा निकालना पॉसिबल नहीं होता है. हाँ, जब हम ग्रुप डेटा है ना, देखो अनग्रुप डेटा थोड़ा लेस इन्फॉर्मेशन देता है. इट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, जब हम डेटा की बात करते हैं ना बेटा, तो डेटा से हमें इन्फॉर्मेशन तो मिलती है. एवरी टाइम वी विल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा, बट समटाइम वी विल गेट लेस इन्फॉर्मेशन, समटाइम वी विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अब मैं इसी डेटा को
अगर ग्रुप करना चाहता, ग्रुप कैसे करता मैं क्लास में बच्चे को खड़ा कर देता, ए ग्रुप वाले बच्चे खड़े हो जाओ एंड सपोज फोर स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, तो मैं ए के सामने फोर लिख देता। देन मैं बोलता ए बी वाले खड़े हो जाओ, सपोज थ्री स्टूडेंट्स फोर स्टूडेंट्स अगेन स्टैंडिंग, मैं फोर लिखता। देन ओ स्टूडेंट्स वाले, ओ ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, देन ओ वाले खड़े हो गए हैं, देन हाउ मैनी आर देयर, सपोज सिक्स स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं, ठीक है। देन मैंने बोला बी वाले खड़े हो जाओ, तो फिर से थ्री स्टूडेंट्स खड़े हो गए। दैट मीन्स वट, नाउ द डेटा इज ग्रुप्ड। अब मैंने डेटा को ग्रुपिंग में कर दिया है, ग्रुप किया है। देखो यहाँ पे पूरा डेटा क्या था, इट इज फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल डेटा था, इंडिविजुअल फॉर्म में था, इट इज नॉट इन ग्रुप, ये किसी भी तरह से ग्रुपिंग नहीं हुआ था। बट हेयर यू कैन सी ए वाले अलग से खड़े हैं, तो ग्रुप्स में ही खड़े हैं ना वो ए वाले, ए बी वाले अलग से खड़े हैं, ओ वाले अलग खड़े हैं, बी वाले अलग खड़े हैं। दैट मीन्स वट, देयर आर ग्रुपिंग ऑफ द डेटा, सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा, वेयर वी फॉर्म वट फ्रीक्वेंसीज। ये जो है ना बेटा, देखो ए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ए वाले बच्चे कितनी बार हैं, फोर टाइम्स, ए बी वाला कितना है, फोर टाइम्स, ओ वाला कितना है, सिक्स टाइम्स। दैट मीन्स वट, नंबर ऑफ पर्टिकुलर केस, कोई भी एक पर्टिकुलर केस कितनी बार आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वट फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को हम ये भी बोल देते हैं नंबर ऑफ रिपीटिशंस, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कि ए वाला कितना हुआ है, ए बी वाला कितना हुआ है, ओ वाला कितना है। सो नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, वो भी किस में काउंट होता है, फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फोर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी ग्रुप इज फोर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ ग्रुप इज सिक्स। सो दिस इज हाउ वी डू द ग्रुपिंग ऑफ डेटा। तो हमने क्या किया, देखो अलग अलग ब्लड ग्रुप लिखता जा रहा हूँ मैं, ए ए बी बी ए बी, देन अगेन ए ओ, देन ओ ए बी ए। नाउ दिस इज द डेटा इन अनग्रुप्ड फॉर्म, और दिस इज द रो डेटा फॉर मी, ओके, दिस इज द रो डेटा। देन इफ वी वॉन्ट टू फॉर्म अ टैली मार्क टेबल फॉर दिस डेटा, वी विल बी फॉर्मिंग अ टैली मार्क्स टेबल। टैली मार्क्स टेबल हम लोगों ने सेवन्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है अबाउट दिस टैली मार्क्स टेबल, सिक्स सेवन्थ क्लास में आ जाता है टैली मार्क्स, ओके। सो वी विल बी फॉर्मिंग द टैली मार्क्स टेबल फॉर दिस डेटा टू, फॉर इट्स ग्रुपिंग, हम ग्रुपिंग करेंगे इस डेटा की। अभी ये डेटा क्या है, अनग्रुप्ड फॉर्म में है, ठीक है। वी विल ग्रुप दिस डेटा, ग्रुप करेंगे बाय यूजिंग टैली मार्क्स टेबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप लिखा। देन वी विल बी पुटिंग टैली मार्क्स, हम लोग टैली मार्क्स लगाएंगे। देन वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मैनी टाइम्स अ थिंग इज रिपीटिंग, कितनी बार वो चीज़ आएगी। लाइक ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ हमने लिख लिया। नाउ वी विल चेक वन बाय वन, फर्स्ट ग्रुप इज ए, सो वी विल बी राइटिंग ए, देन ए अगेन वी विल अगेन पुट वन, देन बी इज देयर वी विल पुट वन, देन ए बी इज देयर वी विल पुट वन इन ए बी, देन ओ इज देयर वी विल पुट ओ, देन अगेन ओ वी विल पुट ओ, देन अगेन ओ दिस इज देयर, देन ए अगेन दिस इज देयर, देन ए बी देयर, देन बी इट्स देयर, देन ए बी अगेन ए बी, देन ए अगेन ए, देन ओ अगेन ओ, एंड देन अगेन ओ। वेन अगेन ओ इज देयर आफ्टर फोर, वट वी डू, वी कैंसिल इट लाइक दिस, इट मीन्स वट फाइव, वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव, ओके, देन अगेन ए बी एंड देन ए, ए मीन्स अगेन कैंसिल। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ब्लड ग्रुप ए इज फाइव, फ्रीक्वेंसी फॉर ब्लड ग्रुप बी इज टू, फॉर दिस ए बी इज फोर एंड फॉर ओ इज फाइव, एंड टोटल हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, सिक्सटीन, ओके, टोटल वी आर हैविंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ, दिस इज वन वे, ये एक तरह का मतलब मेथड है टू ग्रुप अ डेटा,
ठीक है, इसको हमने ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है, वी आर गिवन विद सम रो डेटा, वी हैव यूज्ड टेलीमार्क्स टेबल टू ग्रुप द डेटा, डेटा को ग्रुप करने के लिए हमने टेलीमार्क्स टेबल यूज कर लिया, दिस इज द वन वे, इस तरह से तुम लोग कर सकते हो, देन यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा ना, इसमें से अब तुम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, फर्स्ट थिंग यू विल से दैट सर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ए ग्रुप एंड ओ ग्रुप आर सेम एंड बी ग्रुप द स्टूडेंट्स हैविंग लेस टाइप द स्टूडेंट्स हैविंग बी ग्रुप आर इन लेस नंबर्स, सबसे ज़्यादा कम कौन से हैं जिनका बी ग्रुप है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द रेयर ग्रुप इन आवर क्लास, रेयर ब्लड ग्रुप, जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है हमारी क्लास में वो कौन से वाला है, बी है, और अगर तुमसे पूछा जाए कि कॉमन ग्रुप कौन सा है सबसे कॉमन, तो तुम बोलोगे सर ए एंड ओ, है ना, तो बाय लुकिंग एट दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है बाय यूजिंग द टैली मार्क्स, ठीक है, इसको देख के, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देख के हम लोग डेटा को थोड़ा ज़्यादा एनालाइज कर पा रहे हैं, ज़्यादा हम लोग उसमें से आंसर्स कर सकते हैं। देखो अब क्या होगा, सम टाइम यू विल बी गिवन विद दिस टाइम काइंड ऑफ डेटा, मार्क्स आउट ऑफ 40, कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं तुम्हें 40 में से, लाइक 38, 37, 34, 28, 21, 23, 24, then 19, 17, 12, then again 30, 34, 33, 38, 21, 23, 22, 21, 19, then 33, 34, like this. You are given with marks of some students out of 40. 40 में से इतने इतने marks आए हुए हैं कुछ बच्चों के, raw data तुम लोगों को दे दिया. Now you need to prepare a frequency distribution table. तुम लोगों को frequency distribution table बनाना है. You have to prepare a frequency distribution table. So how you will prepare? क्या तुम ऐसा करोगे कि 1 marks, 2 marks, 3 marks? Sir, 1 marks तो कोई नहीं है, 2 वाला कोई नहीं है. No. You will use what? Class intervals. अब इस केस में बेटा क्लास इंटरवल यूज किया जाता है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स यूज कर, देखो अब हाँ यहाँ पे भी एक डाउट होता है कि सर क्लास इंटरवल 0 से 10 वाला यूज करें या 0 से 5 वाला करें या 0 से 3 वाला करें या 0 से 6 वाला करें, तो कौन से वाला करना चाहिए? अब देखो पता है क्या बेटा, हमारे पास ना आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं, तो 40 आउट ऑफ 40 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, 40 से ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि 40 में से बच्चे के मार्क्स 42 आएंगे, तो तुम्हें क्या करना है ना, अगर 40 आउट ऑफ 40 हैं तो तुम अगर देखो 0 से 10 वाला बना के चलोगे, इफ़ यू विल मेक इट 0 to 10, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ख़त्म हो जाएगा, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है यू गो विद 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा क्लास इंटरवल्स तुम लोग बनाओगे ना तुम्हारा डेटा उतने ही अच्छे से ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट देखो ज़्यादा नहीं मैं कहता, बट एटलीस्ट 6 to 7 क्लास इंटरवल्स एटलीस्ट तुम लोग प्रिपेयर करो, ठीक है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट हाउ मच क्लास विड्थ, क्लास विड्थ क्या होता है, एक तो ये समझ लो पहले, क्लास इंटरवल तो क्लास विड्थ के साथ ही बनता है ना, क्लास विड्थ क्या होता है, क्लास विड्थ इज द गैप बिटवीन दीज लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट्स इन क्लास इंटरवल, जो तुम क्लास इंटरवल लेते हो ना ये, दिस साइड यू आर राइटिंग लोअर लिमिट्स, इसको क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट, एंड दिस साइड यू विल बी राइटिंग अपर लिमिट्स, इस ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज वट, क्लास विड्थ, और इसको हम क्लास साइज भी बोलते हैं, ठीक है, कई बार ये वर्ड यूज होगा क्लास साइज, समटाइम दे विल गिव यू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे यू आर गिवन विद 45.5 टू 49.5 एंड दे विल आस्क यू वट इज द क्लास विड्थ ऑफ दिस वन, या क्लास साइज क्या है इसका, सो यू विल सबट्रैक्ट
49.5 माइनस 45.5 एंड इट इज 4। ठीक है, तो क्लास विड्थ जो है ना उसको समझ लो। क्लास विड्थ क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल, उससे हम क्लास विड्थ निकालते हैं। ठीक है, देन यू विल राइट 20 to 25, देन 25 to 30, इस तरह से तुम लोग लिखते जाओगे। देन आगे भी आएगा 30 to 35, देन 35 to 40। अब इसमें क्या आता है ना, कुछ बच्चों का डाउट होता है, सर इफ अ स्टूडेंट इज गेटिंग 5 मार्क्स, अगर किसी बच्चे के 5 मार्क्स आए हैं, देन वेयर वी विल इंक्लूड इट, क्या हम इस वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे या इस वाले में करेंगे? तो बेटा हम लोअर लिमिट में, यस 5 to 10 वाले में करेंगे। वी ऑलवेज इंक्लूड द वैल्यू इन लोअर लिमिट, हम लोअर लिमिट में इंक्लूड करते हैं। तो 0 to 5 वाले में नहीं करेंगे, जिस बच्चे के 5 मार्क्स आए हैं उसको कहाँ पे इंक्लूड करना है, उसका टैली मार्क्स हमें 5 to 10 वाले में लगाना है। ओके, वी विल बी पुटिंग हिज टैली मार्क्स इन दिस वन। अच्छा, अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं, इफ एनी स्टूडेंट इज गेटिंग 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स वाले को कहाँ पे करेंगे? यस 20 to 25 वाले में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब किसी बच्चे के अगर 38 मार्क्स आए हैं तो उसको 35 to 40 वाले में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट इज गेटिंग 28 मार्क्स, 28 वाले को किस में करेंगे? 25 to 30 वाले में। ठीक है, उसका टैली मार्क्स इधर लगेगा। तो इस तरह से तुम लोग टैली मार्क्स लगा सकते हो। अभी हम लोग टेक्स्ट बुक से करेंगे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, फर्स्ट टाइप वाला ना, कि ब्लड ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है, देन विच इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड कौन ब्लड ग्रुप और कौन सा रेयरेस्ट है। अच्छा, अभी सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, दीज आर द डिस्टेंसेज बिटवीन द रेजिडेंस एंड द वर्क प्लेस, कितने किलोमीटर्स दिया हुआ है, 5, 3, 10, 20, 25। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये डिस्टेंस दिए हुए हैं हम लोगों को, तो इन्होंने बोला है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि तुम जो इंटरवल लोगे ना वो 5, क्लास विड्थ उसका कितना होना चाहिए, क्लास साइज होना चाहिए उसका 5, ये लिखा हुआ है, क्लास साइज इज 5। सो यू विल बी टेकिंग इट एज, कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तुम लोग क्लास इंटरवल लिखोगे, सी आई, इट इज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, देन 20 to 25। ठीक है, उसमें चेक कर लो, व्हाट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितना है, हाईएस्ट वैल्यू इज 25, 32 इज देयर। ठीक है, सो दैट मीन्स यू कैन राइट अप टू 25 to 30 एंड 32 35। देन व्हाट यू विल पुट, टैली मार्क्स, अब तुम लोग टैली मार्क्स लगाओगे। सो टैली मार्क्स लगाते जाएंगे, एक एक करके चेक करो। देखो सबसे पहले क्या है, 5, तो 5 का टैली मार्क्स कहाँ पे लगेगा, इसमें सेकंड वाले में। ठीक है, मैंने बताया ना लोअर लिमिट में इंक्लूड करना है, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट में, देन सेकंड इज आवर 3, सो 3 को किधर इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे। देन थर्ड वन इज आवर 10, 10 को इधर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देन 20, ओके, सो 20 को इस साइड इंक्लूड कर देंगे। देन नेक्स्ट इज 25 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस तरह से तुम लोग टैली मार्क्स काउंट करोगे। ठीक है, तुम कंप्लीट करना इस वाले को, तुम लोग टैली मार्क्स लिखोगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखोगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ टैली मार्क्स, कि कितने तुमने टैली मार्क्स पुट किए हैं, नंबर ऑफ टैली मार्क्स तुम काउंट करके यहाँ पे लिखोगे। जैसे 0 to 5 के बीच में तुमने बाई चांस ऐसे लगाया तो तुम यहाँ पे 5 लिखोगे, इसमें अगर तुम्हारा आ गया ये तो तुम 7 लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से टैली मार्क्स के बाद तुम फ्रीक्वेंसी लिखोगे, देन टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करके लिखेंगे। ठीक है, कि कितना टोटल आया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम द डेटा। जब तुम ये टेबल बना लोगे ना, फ्रॉम दिस टेबल एंड फ्रॉम द डेटा यू कैन बी आस्क सम क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा।
किसी भी डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना वो, और उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट व्हाट रेंज। अब जैसे चेक करो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस डेटा, इस वाले डेटा में हाईएस्ट क्या है, इट इज 32। यस 32 इज द हाईएस्ट। एंड व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू, दैट इज 2। सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द रेंज, सो रेंज विल बी 32 माइनस 2, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सो इट इज 30। ओके सो वी विल राइट इट 30 इज द रेंज। देखो एक तो रेंज पूछा जा सकता है, देन सेकेंड थिंग दे कैन आस्क अबाउट क्लास साइज या क्लास विड्थ। क्लास साइज पूछ सकते हैं, व्हाट इज द क्लास साइज, यू विल राइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज अपर लिमिट इज 5, लोअर लिमिट इज 0, सो 5 माइनस 0 इट इज 5। दिस इज द क्लास साइज और क्लास विड्थ, ऐसे पूछा जाते हैं। अब और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड में देखना, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले तो तुम टेबल बना लोगे क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी यूज करके। देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, इसकी रेंज क्या होगी इस डेटा की, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखो क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस वन, द हाईएस्ट वैल्यू व्हाट आई कैन सी इज 98.6, इट्स 98.6 द हाईएस्ट वैल्यू। इज देयर एनी अदर, ओ यस हाँ 99.2, हाँ नेक्स्ट टू इट इट इज 99.2, सो द हाईएस्ट वैल्यू इज 99.2 एंड व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू, 84.9। सो व्हेन यू आर फाइंडिंग द रेंज 99.2 माइनस 84.9 देन यू विल गेट द आंसर फॉर रेंज, रेंज ऑफ द डेटा इट विल बी 14.3। जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना 99.2 माइनस 84.9 यू विल गेट 14.3। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, ये वाला डेटा कौन से मंथ या सीजन का है। बेटा यू कैन चेक द ह्यूमिडिटी लेवल इज वेरी हाई, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ह्यूमिडिटी लेवल हाई किस में होता है, व्हेन वी आर हैविंग रेनी सीजन। यस सो यू विल राइट इट्स द रेनी सीजन एंड मोस्टली इन इंडिया रेनी सीजन इज इन बिटवीन अगस्त जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, जुलाई एंड अगस्त मेनली। ओके सो रेनी सीजन, सीजन में तुम लोग लिखो, नो इट्स हाँ नॉट एवरी टाइम यू विल बी स्टार्टिंग द क्लास इंटरवल फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो से ही स्टार्ट। अब तुम लोग अगर इस वाले डेटा का, अगर तुम इस वाले डेटा का क्लास इंटरवल स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट विद 84, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करके तो कुछ मिलेगा ही नहीं। सो वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट जहाँ से हमें कुछ डेटा मिल सकता है, वी विल स्टार्ट विद 84। तभी तो हमने मिनिमम वैल्यू को देखा है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखना है एक डेटा में, देन यू विल बी यूजिंग द क्लास इंटरवल। बस ये है जो अभी तक हमने पढ़ा है, यही चीज़ें सारी तुम लोगों को याद रखनी है।